हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। मोटोमेटिक में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं डिफरेंशियल यूनिट्स जो कि डिफरेंट साइजेस के हैं। और ये जो डिफरेंशियल यूनिट है, ना केवल डिफरेंट साइजेस के हैं बल्कि अलग अलग मोटर के पावर कॉन्फिग्रेशन के हिसाब से आते हैं। प्लस हमारे पास जो यूनिकनेस है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ हमारे पास है डिफरेंशियल में, वो है डिफरेंट गियर रेशियो। जी हाँ दोस्तों, हम ना केवल ओनली ईवी ऑपरेशंस के लिए डिफरेंशियल्स प्रोवाइड करते हैं बल्कि हम लोग हायर रेशियोज़ के डिफरेंशियल भी प्रोवाइड करते हैं। हायर रेशियो से मेरा मतलब है वो डिफरेंशियल जो कि काफ़ी हाई टॉर्क और हाई लोड के लिए होते हैं और जिनका गियर रेशियो काफ़ी हाई होता है, जिसमें कि आपको स्पीड तो कम मिलती है लेकिन लोडिंग लोडिंग कैपेसिटी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ना केवल इनके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे बल्कि इनके गियर रेशियो और काफ़ी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, ये जितने भी तीन टाइप के आपको डिफरेंशियल दिख रहे हैं, ये बेसिकली सॉलिड एक्सेल डिफरेंशियल्स हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं सॉलिड एक्सेल यानी कि सॉलिड पाइप लगा होता है और उसके एंड में ड्रम ब्रेक होता है। अब ड्रम ब्रेक की अगर बात करें तो इसमें दो टाइप के ड्रम ब्रेक आते हैं, 180 और 220। हम लोग नॉर्मली 180 वाले तो रखते हैं लेकिन ज़्यादातर 220 में डील करते हैं, जो कि 220 ड्रम ब्रेक होने की वजह से इसकी जो ब्रेकिंग होती है वो काफ़ी इफेक्टिव होती है, काफ़ी अच्छे ब्रेक्स लगते हैं क्योंकि आपको कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा मिल जाता है 220 में। अब इसके बाद दूसरी चीज़ की बात करें तो इन डिफरेंशियल्स में आप देखेंगे तो आपको ना केवल गियर चेंजिंग लीवर मिलता है, क्योंकि ये दो स्पीड के डिफरेंशियल है तो आप दो गियर का यूज़ कर सकते हो, दो गियर कॉम्बिनेशन का, जिसमें कि जो एक गियर होता है वो हाई स्पीड के लिए होता है, एक गियर हाई टॉर्क के लिए होता है। नॉर्मल जो डिफरेंशियल हमारे यहाँ पे आते हैं, जैसा कि ये वाला जो डिफरेंशियल आप देख रहे हो, ये वाला जो है नॉर्मल गियर रेशियो वाले डिफरेंशियल है, जिसमें कि दो स्पीड मिलती है, एक होती है 1:8 की, 1:16 की। तो आप समझ गए होंगे कि जब रेशियो 1:8 का होता है तो आपको 1:8 में हाई स्पीड मिलती है, यानी कि आपको अच्छी खासी स्पीड आपको मोटर की डिफरेंशियल में मिल जाती है मोटर के साथ। और जब आप 1:16 लगा लेते हो तो आपका टॉर्क डबल हो जाता है और स्पीड हाफ हो जाती है। उस कंडीशन में जैसे कोई हाई ग्रेडियंट आ गया, आपका लोड एकदम से हैवी हो गया, आपको कोई कार पुल या कोई ऑब्जेक्ट पुल करना है, तो आप सेकेंड गियर का यूज़ कर सकते हो। और गियर चेंजिंग के लिए आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड लीवर आता है, इस लीवर को एक्सटेंड करके आप बड़ा भी कर सकते हो, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से कहीं भी फिट भी कर सकते हो। इसी के साथ आपको एक इमरजेंसी ब्रेक केबल भी मिलती है जिसमें आप इमरजेंसी ब्रेक लगा देते हो। एक और चीज़ बता दूँ, ये जो भी डिफरेंशियल है जैसे आप देख रहे हो, ये ऑयल ब्रेक के साथ आते हैं, यानी कि इसमें हाइड्रोलिक ब्रेकिंग होती है, जिसकी वजह से इन डिफरेंशियल्स की जो ब्रेकिंग इफिशेंसी है काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छे ब्रेक लगते हैं। अब जैसे मैंने आपको रेशियो बताया कि 1:18 और 1:16 के रेशियो में ये सारे के सारे डिफरेंशियल आपके आते हैं। अब जैसे मैंने बताया 1:8 के रेशियो में आपको नॉर्मली मोटर के साथ 40 से लेकर 60 तक की स्पीड मिल जाती है, डिपेंड करता है कितने पावर की मोटर है और क्या ऑपरेशन वोल्टेज है। 1:8 के रेशियो में 1:16 में आपको ये जो स्पीड है हाफ हो जाती है, इसमें 25-30 की स्पीड हो जाती है, लेकिन लोड कैरिंग कैपेसिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाती है, वो भी आपकी मोटर के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि जितने पावर की मोटर होगी उतनी ज़्यादा आपकी लोडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये तो हो गए स्टैंडर्ड गियर रेशियो जो कि हमारे ईवी एप्लीकेशन यूज होते हैं 1:8, 1:16। अब ये जो है सेकंड, हमारे पास दो डिफरेंशियल्स यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये जो फर्स्ट डिफरेंशियल है 42 इंच का है, जिसमें कि एंड टू एंड आपका ड्रम टू ड्रम 42 है। अब ये जो सेकंड डिफरेंशियल है ये हमारा है 52 इंच का, जिसमें एंड ड्रम से ड्रम आपका 52 इंच का है। और इसका जो रेशियो है, इसका रेशियो हाई है, हालांकि सारी चीज़ें गियर चेंजिंग आपका ड्रम ब्रेक साइज 220 और बाकी चीज़ें सेम है, लेकिन इसका गियर रेशियो हाई है, ये 1:13 और 1:26 के इसमें आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1:26 का रेशियो होने की वजह से इसकी जो टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी है, लोड कैरिंग कैपेसिटी है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। हाँ, लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन अगर आप मटेरियल हैंडलिंग में बात करें कि भाई मटेरियल हैंडलिंग में कोई आप गाड़ी बना रहे हैं, कोई आपको सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं मटेरियल हैंडलिंग में, तो उस कंडीशन में काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉर्क देते हैं और एक ठीक ठाक पावर की मोटर के साथ इनका जो टॉर्क होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें एक और खासियत हम लोग देते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 6 बोल्ट दिखेंगे। तो ये जो डिफरेंशियल होते हैं 6 होल की वजह से होता है ना, 2 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक की आप मोटर लगा सकते हो, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 किलोवाट तक के आप कॉन्फ़िगरेशन इसके साथ फिट कर सकते हो, क्योंकि ये 6 होल डिफरेंशियल है और विथ हायर गियर रेशियो है। इसी तरह से अगर अगले गियर डिफरेंशियल की बात करें तो ये सबसे बड़ा डिफरेंशियल है जो कि 56 इंच का है, और इसमें भी आपको सारी चीज़ें वही मिल जाती हैं। इसमें भी ये जो गियर रेशियो हम लोग प्रोवाइड करते हैं 1:13 और 1:26 का भी इसमें प्रोवाइड करते हैं, यानी कि गियर रेशियो में हम लोग दो टाइप के ऑप्शन देते हैं, 1:8, 1:16। एक तो ये हो गया स्टैंडर्ड गियर रेशियो, दूसरा गियर रेशियो जो है 1:13 और 26 का है, यानी कि आपको तीनों डिफरेंशियल में अलग अलग गियर रेशियो के साथ कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे।
तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपका डिफरेंशियल आपको गियर रेशियो के हिसाब से मिल जाता है। इसमें भी आपका 6 बोल्ट माउंटिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी कि इसमें भी आप 2 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक की मोटर यूज़ कर सकते हो। अगेन इसका भी ड्रम ब्रेक 220 का है और ये कुछ साइजेस मैंने आपको दिखाए हैं। हालांकि हमारा जो कस्टमाइजेशन है वो काफ़ी अलग लेवल का होता है, क्योंकि हम लोग सारे के सारे पार्ट्स रखते हैं इनके, तो जैसे भी आपकी लेंथ की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हम लोग बना देते हैं। अभी तक हमने 86 इंच तक का डिफरेंशियल डिलीवर किया है और हमारी जो कैपेबिलिटी है ना वो 100 इंच तक की डिफरेंशियल की है, यानी कि जो भी आपका साइज़ हो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिफरेंशियल बना सकते हैं और उस साइज़ के अकॉर्डिंगली आपको गियर रेशियो भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई आपको स्पीड वाला गियर रेशियो चाहिए, थोड़ा सा हाई स्पीड वाला तो हाई स्पीड वाला कॉम्बिनेशन दे देंगे, आपको हाई लोडिंग कैरिंग कैपेसिटी के लिए डिफरेंशियल चाहिए तो वो दे देंगे, अगर आपका लोड बहुत ज़्यादा भी है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कस्टमाइज रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। चूँकि मोटोमैनिक में काफ़ी हाई लेवल का कस्टमाइजेशन होता है और काफ़ी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मोटर भी जैसे मैंने बताया कि 1 किलोवाट से स्टार्ट होके हमारे पास 15 किलोवाट, 20 किलोवाट और उसके ऊपर के सॉल्यूशंस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आज के दो वीडियो में दोस्तों इतना ही, आगे वाले वीडियो में फिर से कुछ नई चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आएंगे और हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।